समझती है जो बाप बेटे के बीच में संभव नहीं। ये सब छोड़ो, माँ ने तुम्हें बुलाया है, तू जरूरी बात करनी है। जरूरी? ठीक है, जाऊंगा जरूर, लेकिन तुम्हें एक काम करना। काम? क्या काम? दोपहर खाने के लिए मछली और फसल का सूप बनाना होगा। क्या प्रसंग तुम्हें बहुत समय हो गया, ऐसे समय बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। बीता समय वापस नहीं आ सकता। तो क्या करना चाहते हो? मेरा मतलब आज से हम लोग पास में नहीं बैठेंगे। अच्छी तरह पढ़कर पास भी होना है, नौकरी भी ढूंढना है और साथ में समस्याओं का समाधान भी है? अच्छा, तो इसका मतलब है आज से तुमसे किए गए शादी की बात कर, है ना? अच्छा। अब क्या सोच रहे हैं? आजकल तो नौकरी का नाम लेने से भी डर लगता है। पहले ये बात कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। हाँ, एग्जाम के रिजल्ट देने के बाद तुम नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लो, थैंक यू। तुम आज खाना खाके जाना। हाँ, हम अभी बाजार जा रहे हैं, ये तो बाजार में लेके खाना नहीं खाते। आज नहीं, फिर कब? नहीं, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तुम बोले देखो, हम आते हैं, ठीक है? तो मेरा बहुत ही काम सिर्फ तुम्हारे लिए। सब कम किया जा रहा है कि नहीं? यस सर, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह, लेकिन सर हम लोग जो कुछ कर रहे हैं सब न्याय में जो करने के लिए कहा वो करो, नहीं तो तुम लोगों के साथ मुझे भी दंड भुगतना पड़ेगा। वो तो है सर, लेकिन हम लोग जो कुछ कर रहे हैं या लोगों को पनिशमेंट दे रहे हैं उसमें सर न्याय और अन्याय की बातें नए अन्याय अब हम नहीं डिसाइड कर सकते। ऊपर लेके निर्देशों से हमको काम करना पड़ेगा। वो तो है सर, लेकिन फिर भी सर तुम किसको दंड देना चाहते हो, न्याय को या अन्याय को? उन लोगों को, उन भ्रष्टाचारियों को मैं दंड देना चाहता हूँ जिन लोगों ने अन्याय को खुली बाजार करके रखा है, जिन लोगों के कारण न्याय को हम पा नहीं सकते। एक नौकरी के लिए चारों तरफ घूमते हैं हम, लेकिन हम लोगों को मिलता नहीं क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं, रुपए नहीं, कोई मंत्रियों का कोई फरमाइश नहीं। रुपए कहां से लाओ? उस गरीब घर से जहां दाना पानी नहीं मिलता है, दो रोज
प्यार भी सीना है उन लोगों ने, मैं उन लोगों को कभी भी नहीं छोड़ सकता। इस संगठन के जरिए मैं उन लोगों को जरूर दान दूंगा। मुझे इसकी सहायता चाहिए, मैं सब करने के लिए यहां आया हूं। मुझे पूरी तरह इसमें सफल होना चाहिए। इस समस्या का हाल ढूंढने के लिए ही इस संगठन का जन्म हुआ है, और हम इसके जरिए उन भ्रष्टाचारियों को जरूर दान देंगे। अब चलो। शुरू कर देती हो क्या समझेंगे? उसके बिना मुझे भूख नहीं लगती, पता नहीं वो कहाँ है, क्या कर रही है। सुनो, उसके गायब होने का डर मुझे पता चला कि उसकी अपहरण अनिर्बान और उनके साथियों ने किया है। आपको कैसे मालूम हुआ? अनिर्बान ने मुझे अपहरण के बाद फोन किया था। और तो और मेरी बेटी बंदिता ने ही मुझसे पापा को बदल कर बातचीत की। आप जल्दी कीजिए, उसे जल्दी पैसा दे दीजिए ताकि वो मेरे दिल के पास आ सके। नहीं जी, वो क्यों नहीं आएगी? सारे मेरी इज्जत है। यदि कोई उसे आखिर देती है तो फिर भी मेरी एक ही सिद्धांत है जरूर, मैं उन्हें कभी पैसा नहीं दूंगा। रुको, शाम को फोन करता हूं। यस सर, मिस सरिया बोल रहा हूं। कहिए, क्या बात है? सर, एक जरूरी काम के लिए फोन करना पड़ा। सर, कल मेरी बेटी कॉलेज से आते समय कुछ लोग उठाकर ले गए। कहते रहिए, मैं सब कुछ विस्तार से जानना चाहता हूँ। सर, फिर मुझे बताया गया कि वो लोग दीपेंद्र जी गुट का नेता है। सर, आप ही कुछ कीजिए। सर, मेरा श्रीमती का हेल्थ ठीक नहीं है। सर, क्या वो आपसे पहले भी डिमांड कर चुके हैं? हाँ, किया था, पर मैं आत्मसम्मान का खातिर सहमत नहीं हुआ। सुनिए, अभी भी कुछ नहीं बिका। मनुष्य के जीवन में सिद्धांत के सामने पैसे का कोई महत्व नहीं हुआ। आप एक काम करिए, आप उन लोगों को पैसा देने का सहमति जुटा कर समय दीजिए और प्रशासन को सूचना दीजिए। सब कुछ सुलझ जाएगा, मेरा पूर्ण सहयोग आपके साथ है। ठीक है सर, फिर तो वही करना ठीक होगा। रखता हूँ। ठीक है, रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, वही करना ठीक होगा। हार के बात मानने में ही हमारी भलाई है। हाँ, ठीक है, चलो। कल से तुम कुछ खाया नहीं है, चलो। Thank you.
भगवान, तुम मुझे चला जाओ। पुलिस, पुलिस ने हमारे टीम को बस से उठा दिया, दो सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया और ठिकाना नहीं रहा तो यहां चला आया। मुझे भी मार दे। तुम आदमी क्यों कर रहे थे? ऐसा करने से अपने आप को नंगा करना होगा और ऐसे जीवन में जीना नहीं चाहता। क्या हथियार छोड़ने वाले लोग जीने वाले हैं? मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं शांति से बाद में सोचूंगा। मुझे कुछ खाने दो। बेटा तुम थोड़ा रुको। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। क्या पुलिस और आर्मी को हमारे घर में सब कुछ पता चल गया? कहीं सुपर का कदम मैं कभी भी ऐसे मत बोलो। तुम्हें मेरे लिए जीना पड़ेगा, तुम नहीं मर सकती। इसका क्या उपाय है? उपाय है तुम अपना समर्पण कर दो। ठीक है, पर कैसे? जैसे भी हो तुम जल्दी आत्मसमर्पण कर दो। मैं आज ही आत्मसमर्पण करना चाहता हूं। मैं बहुत दिन से भूखा हूं। अनिर्बन कलिता और अनिल हजरिका आपका लड़का है? जी हाँ। और यहाँ आता है या नहीं? नहीं, जब से वो खेल चल कर गया है आज तक नहीं आया। मैं आपके हाथ जोता हूँ, जैसे भी हो आप उसे वापस ले आइए। ये क्या करें, आंसू पुलिस वालों के लिए मायने नहीं रखते। आपके बेटे ने कानून को अपने हाथों में ले लिया है, वो कानून का मुजरिम है, उसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। इसमें ड्यूटी, आप हमें गलत न समझो, वो एक आतंकवादी है और उस पर नजर रखना हमारा कर्तव्य है। चलो बेटा, तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? मौका मिले तब ना। नहीं बेटा, तुम आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हारी कारण घर की हालत खराब होती जा रही है, हर समय पुलिस आती रहती है। ठीक है, मैं जल्द ही आत्मसमर्पण करूंगा, लेकिन इससे पहले दो काम मुझे और करना पड़ेगा। क्या दो काम? कौन है इस समय? शायद पुलिस आ गया। तुम एक काम करो, इसी में सुख जाओ। आप दरवाजा खोलिए ना। मैं बिजी हूँ। हाँ, अनिल कहाँ है? हाय, घर में मुलाकात हूँ। अब बोलिए ना। अनिल बान, आजा, बिजी आ गया। अरे, आप? मैं तो एकदम डर गया था। हसमत, हमारे पीछे सीआईडी लुकी हुई है। किसी ने देखा तो नहीं ना? देखा था। पुलिस के साथ मेरा मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस वाले मार गए और मैं इधर भाग गया। एक काम करो, तुम लोग पीछे से भाग जाओ। मेरी आंखों की पट्टी खोल दीजिए ना प्लीज, बहुत दर्द हो रही है। इम्पॉसिबल, जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक तुझे छोड़ना नामुमकिन है। बस दो दिन बाद तुम्हारे पिताजी हम लोगों को 2,00,000 रुपए देंगे और तुम यहाँ से मुक्त हो जाओगे।
पर मुझे मम्मी और पापा की बहुत याद आ रही है। तो इससे मिलने के बाद तुम अपने माँ बाप के पास जा सकोगी ना? अभी तुरंत और नहीं, ठीक है और नहीं। तो क्या हाथ में चुप हो गया? जानती हूँ अपना आनंद खाना ये सब जो है मैं भूलने लगा हूँ। क्यों क्या हुआ मैं समझी नहीं। नहीं यही तो छोड़ दो ये सब फालतू बातें छोड़ो। हाँ अब क्या की बातें कहते हैं? हाँ हम इस तरह चुप चुप कर और कितने दिन तक प्यार करेंगे? तुमने क्या सोचा? तब तक जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती। नौकरी के पीछे ही क्यों करोगे? और भी तो कुछ काम धंधा किया जा सकता है। हाँ है लेकिन रुपए कहाँ से लाएंगे? कुछ तो करना होगा और मैं सोच भी लिया हूँ। क्या? इस सबसे हटने का साथी ने मुझे आश्वासन दिया है कि मुझ में दम है और इसीलिए इसीलिए क्या मुझे समय दिया गया है चोसने का और मैंने सिद्धांत भी लिया है। मुझे तो डर लग रहा है तुम क्या बैसी बैसी बातें कर रहे हो? आखिर तुमने सिद्धांत क्या लिया? मैं उन लोगों से निपटना चाहता हूँ जो समाज की बुनियाद को गिरा दिया है। इसका मतलब संगठन? हाँ मैं जाने का निश्चय कर लिया। घर के लोग मुझे पसंद नहीं करते और पिताजी भी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। मैं एकदम तंग आ चुका हूँ।
इसमें तंग आने की क्या बात है? मैं जो हूँ तुम्हारे पास, मेरी माँ भी तो तुम्हें बहुत पसंद करती है। अच्छा ठीक है, तुम अपने घर मत जाओ, मेरे घर खेलो। चल। कितना बढ़िया हवा है ना? दोस्त, कैसे छे हो? घर की? घर की या कुछ और की? नहीं, घर की, मेरी माँ की, बहन की और भाई की। अनिर्बन, जब जंगल में आया है ना, तब इधर मैंने सब छोड़ के आया, प्यार व्यार माँ बहन भाई सब छोड़ के आया। सब छोड़ना पड़ेगा इधर, ये संगठन का रूल है, ये सब छोड़ो। फिर भी क्या रहता है भाई, क्या करे? माँ अकेले है बीमार, माँ घर में अकेले है, भाई अकेले है, बहन याद आती है बहुत बहुत, क्या करे? संगठन में आया तो कहीं वो कैसे है कुछ को पता नहीं चला अभी तक। कई दिनों से मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत कष्ट पहुंचाया उन लोगों को, बहुत कष्ट पहुंचाया। मैं ये सब छोड़कर चला जाऊंगा, मैं यहां मैं नहीं रह सकता। मैं अनिर्बन, रहो नहीं, चल कैंप में, चल नहीं, तू कुछ कर, ये मेरा डर है, चल चल। सब अंदर हो सिंपल सिंपल कौन है? हम लोग। कौन हम लोग? अरे यार बीते तो आने बन क्या बात है नीरज? अरे दो सिगरेट लाना तो पहले। सिगरेट? हाँ ठीक है। बनाने के लिए कहा था ना? हाँ अभी तक तो नहीं हुआ, कल तक हो जाना चाहिए। अभी तक हुआ नहीं, कल तक होगा? हाँ कल तक जरूर होगा, कल तक एकदम हो जाना चाहिए, नहीं तो। हाँ वो तो मालूम है। सर मैं एक बात सोच रहा हूं, इनको जो लीज बनाने को कहा गया है, इसका मतलब है लीज को हम साथ में लेकर
लोगों को डिमांड करेंगे, उन लोगों से रुपए लेंगे और बहुत कुछ करेंगे। क्या हम लोग अनिर्बन अब ये सब चल, सिचुएशन अच्छा नहीं, अब हमको चलना है, चलो। लेकिन सर संगठन में इस विषय पर हम लोग को आलोचना करना चाहिए, हम लोग बैठेंगे आपस में बातचीत करेंगे। हाँ जरूर करेंगे, अब चलो। अरे तुम लोग क्या हाल है तुम लोग का? ठीक है। अच्छा विद्युत संगठन का काम कैसा चल रहा है? अरे यार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारे कारण तुम्हारे घर के लोगों को कितना परेशानी हो रहा है? ड्रेस के नाम पर मैं सब कुछ भुला दिया। तुम्हारे माँ को भी जिसने तुम्हें जन्म दिया? हाँ मुझे सब कुछ पता है, लेकिन उस रास्ते से वापस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। विद्युत तुम जंगल से वापस घर चलो, हिंसा ही उठी हिंसा का जन्म देता है। जैसे भी हो तुम जल्दी वापस घर चले आओ। तुम लोगों ने ठीक ही कहा, इस बारे में मैं जरूर चूंगा। अब भी चला अंदर करे गोली मार। सारे अंदर करते हैं। अब से हम जनरल के साथ मिलकर रहेंगे। तुम्हारी इस बात से हम बहुत खुश हैं। चलो आज मैं बहुत खुश हूं। मेरा विश्वास था मेरा बेटा एक दिन जरूर लौट कर आएगा। हाँ बेटा जी मैं बहुत गलत था, मेरे कारण अब सब लोगों को बहुत ही कष्ट भोगना पड़ा और मैं बहुत मूल्यवान समय को वैसे ही गवा लिया। अब फिर बन रहे बेटा, जिंदगी में नींद डालो और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ वही आ जाएगा। आत्मसमर्पण के बाद मुझे एक नया जीवन मिला है। आप लोग देखिए मैं आप लोग के लिए चाय लेती हूँ। चाय नहीं बहन जी, आज तो खाना भी खा के जा रही हूँ। क्यों नहीं, आप लोग भी हमारे मेहमान रहे। क्यों नहीं, आज जो बहन का खाना भाभी को ही बनाना पड़ेगा। कौन भाभी? ये हमारे नए भाभी। अगले महीने 1 तारीख को अनिर्बान के नाम पर एक नई दुकान खुलेगा और उसके बाद शादी। अरे अनिर्बान और मनीषा की शादी। नमस्कार यादव, आपको अपूर्व साइकिल पाए जो भल लगे लाइक कर और सबसक्राइब कर और लोगों घंटी बटन से दबाई।